हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कैनन प्रिंटर का G2010 प्रिंटर। कैनन प्रिंटर के बारे में देख सकते हैं, ये जो है प्रिंटर मैं ओपन करके रखा हूँ, ये कैनन का G2010 प्रिंटर है, जिसमें देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम है। जो देख सकते हैं इसका इंक पैड है जो काफ़ी फुल हो चुका है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फिल हो चुका है। तो इसका सलूशन मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। प्लस इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में इशू आ गया क्योंकि इंक इस पर मदरबोर्ड पर इसका चला गया था। मैं उसका मदरबोर्ड भी आप लोगों को दिखा रहा हूं किस प्रकार है। तो इसको ओपन कर मैं फुल क्लीन खुद सर्विस कर दूंगा तो प्रिंटर बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो चलिए मैं करता हूं। तो देख लीजिए इसका मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। मदरबोर्ड में जो इंक यहाँ पर देख रहे हैं वो इसका बेस्ट इंक देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मदरबोर्ड पर भी आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं इसको सर्विस करके और इसका ओके करके मैं फुल इसका चालू करके आप लोगों को प्रिंटर दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका फुल ओपन कर दिया मैं इसका सारा पार्ट्स को। तो चलिए इसका फुल क्लीनिंग करता हूँ और उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन करता हूँ मैं। तो देख सकते हैं मैं इसका फुल क्लीनिंग यहाँ पर कर दिया है इंक पैड का। तो देख सकते हैं इंक बिल्कुल अच्छी तरह से मैं इसका सफाई कर दिया और मैं इसका पैनल जो भी मैं इसमें से खोला था वो बिल्कुल फिट करूँगा। उसके बाद मैं इसको इंस्टॉलेशन करूँगा मदरबोर्ड का। तो देख सकते हैं मैं इसका फुल क्लीनिंग करने के बाद मैं इसका पैनल फिट कर दिया और उसके बाद मैं सेंसर भी इसका लगा दिया और प्लस इसका मदरबोर्ड जो काफ़ी इसमें इंक आ गया था उसको मैं क्लीनिंग कर इसमें फिट कर दिया हूं। और चलिए मैं इसको अब इसका पूरा कनेक्शन कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसमें इसका जो होता है स्कैनर वो फिट करूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को इसका एक प्रिंट लेकर आप लोग को दिखाने वाला हूं कि ये बिल्कुल फिट हुआ या नहीं हुआ है, प्रिंटर बिल्कुल वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए मैं स्कैनर पैनल को इसमें लगाता हूं। तो चलिए मैं फाइनल इसका फुल कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर दिया, देख सकते हैं स्कैनर पैनल भी मैं अपना लगा दिया यहाँ पर और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं अपना इसका फुल कनेक्शन भी यहाँ पर कर दिया, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मेरा फुल कनेक्शन मैं यहाँ पर कर दिया, ये स्कैनर का है ये दो और बाकी ये यहाँ पर रहा हेड का कनेक्शन मैं कर दिया और तो देख सकते हैं बाकी और मोटर और सेंसर का ये कनेक्शन यहाँ पर मैं कर दिया, यहाँ पर ये पावर का है। तो देख सकते हैं बिल्कुल कनेक्शन करना ईजी है इसमें, खाली दो आपको कनेक्शन यहाँ करने के लिए आपका जो रहेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ये साइड पीला वाला और ये साइड वाइट वाला आप लोग को इस मदरबोर्ड में लगाना होगा। देख सकते हैं मदरबोर्ड वही है जो मैं इसे पीसीबी को क्लीन किया, देख सकते हैं यहाँ पर तो हल्का लगा हुआ है लेकिन ये मदरबोर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है और ये वर्क कर रहा है मदरबोर्ड। तो चलिए मैं इसे आपको एक टेस्ट पेज प्रिंट करके आप लोग को दिखाता हूँ कि प्रिंटर वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए स्कैनर को डाउन करते हैं और एक प्रिंट इसे प्रिंटर से लेते हैं। चलिए इसे मैं पावर देता हूँ अब। तो चलिए मैं अपने प्रिंटर को पावर दे दिया और तो चलिए एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देखता हूँ कि प्रिंटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले लाइट और पावर आ चुका है इसमें। तो देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका है प्रिंटर। तो चलिए एक टेस्ट पेज के लिए मैं विजिटिंग कार्ड अपना शॉप का ले लिया। तो चलिए ए साइड से स्कैनर इसका वर्क करता है तो ए साइड मैं इसे डाल दिया और एक जीरोक्स कॉपी फर्स्ट मैं ब्लैक के लिए लेता हूँ। तो देखते हैं कि ये प्रिंट करता है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये कैनन का प्रिंटर है 2010, बिल्कुल ओके हो चुका है। आपका भी कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम होता है आपके प्रिंटर में किंक चला जाता है तो सिंपल सा आपको उसे ऑन नहीं होता प्रिंटर, तो अब सिंपल सा आप लोग को अपने प्रिंटर को ओपन करना है और अपने मदरबोर्ड को पहले चेक करना है कि कहीं मदरबोर्ड पर आपका इंक तो नहीं चला गया, तो उसे क्लीन कर देना। आपका बिल्कुल 100% ये वर्क करने लगेगा। अगर मदरबोर्ड से दिक्कत आता है तो अगर शॉर्ट हो जाता है तो इस स्थिति में कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन आपका मदरबोर्ड शॉर्ट नहीं करता है तो आपको 100% ये आप तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जीरोक्स कॉपी करके ये मुझे दे दिया, देख सकते हैं यहाँ पर ये जीरोक्स कॉपी देख सकते हैं अच्छा क्वालिटी में करके मुझे जीरोक्स कॉपी दिया।
तो देख सकते हैं जो मैं जीरोक्स कॉपी के लिए दिया था और जीरोक्स कॉपी है मेरा आया, तो बिल्कुल ये वर्क कर रहा है प्रिंटर। आपका कोई कुछ इस प्रकार से इशू आता है तो आप प्रिंटर को इस प्रकार से अपना सर्विस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही था दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।